अब आइए आपको दर्शन कराते हैं कदम के पेड़ का। जब गोपियां यमुना जी में नहाने जाती थी और अपने कपड़े कदम के पेड़ पे टांग देती थी और वहां से भगवान कृष्ण चुरा लिया करते थे, वही कदम का पेड़ ये सामने रहा। और उसके सामने प्राचीन यमुना माता का मंदिर है। कदम के पेड़ के बगल में ही कालिया नाग का भी मंदिर है, वो भी प्राचीन मंदिर है। कदम के पेड़ के जस्ट सामने प्राचीन यमुना माता का मंदिर है। ये वही कदम का पेड़ है। जब गोपियां नहाने जाती थी यमुना नदी में तो अपने कपड़े यहीं पे टांग के जाती थी और भगवान कृष्ण यहाँ से चुरा लिया करते थे। बोलिए राधा रानी की जय। देखिए इनके खंभे को कैसे सवार के रखा गया है। ये इधर गिर रहे होंगे तो लोहे से रोक दिया गया है। तो आपने कदम के पेड़ का दर्शन कर लिया, अब मैं आपको यमुना महारानी के दर्शन कराता हूँ, यमुना जी के, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो ये रही यमुना जी। बोलिए जय श्री राधे। और यहाँ अभी वक्त हो रहा है 6:40। अगर आप निधि वन आएंगे तो निधि वन के बगल में ही यमुना जी हैं और कदम का पेड़ है, तो आप वोटिंग भी कर सकते हैं। छोटे राउंड का 60 रुपया लेते हैं लोग और बड़े राउंड का 110 से 120 रुपया लेते हैं। तो यहाँ दो तरह की बोट है, एक तो मैनुअल वाली है जो पहले चलती थी और एक है स्ट्रीमर वाली बोट। दोनों बोट में आप राइड ले सकते हैं। जो मोटर वाली बोट है उसमें आपको 60 रुपया देना होगा छोटे राउंड का, और अगर आप मैनुअल वाले में करते हैं इसमें करते हैं तो आपको 100 रुपया देना होगा। अगर आप इसमें राइड लेंगे तो आपको 100 रुपया देना होगा, और इसमें राइड लेंगे तो 60 रुपये देना होगा। तो यमुना जी के आपने दर्शन कर लिए, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बोलिए जय श्री राधे।